मध्य कश्मीर के स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग में मरकजी सरकार की जानिब से 26 फरवरी से शुरू होने वाले खेलो इंडिया सरमाई खेलों के इनाकाद के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सरमाई खेलों का ये मेगा इवेंट 2 मार्च तक जारी रहेगा। 25 फरवरी की शाम खेलों के इफ्तिताह के लिए डेमो किया जाएगा। हज़ारों की तादाद में डिफरेंट जगहों से मुल्क के खिलाड़ी आएंगे और यहाँ के लोकल टैलेंट को भी जो है मौका मिलेगा अपना टैलेंट उभारने के लिए। इस हवाले से सारी इकदाम जो है वो किए जा चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इवेंट जो गुलमर्ग में दूसरी बार हो रहा है न सिर्फ कि नेशनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी कश्मीर को और खासतौर से गुलमर्ग जैसे सियाहती मुकाम को प्रोजेक्ट करने में काफ़ी मदद करेगा। प्लेयर्स हमेशा ऐसे सारे बड़े इवेंट्स के लिए रहते हैं क्योंकि यही हमारी बैकबोन होती है हमारी इकोनॉमी की। सेकंड एडिशन जो होने वाला है उसके लिए हम लोग सब बिल्कुल तैयार हैं। मुझे उम्मीद है कि खेलो इंडिया इस बार कामयाब होने में कोई उसको रोक नहीं सकता। यहाँ पे गुलमर्ग में खेलो इंडिया के लिए तैयारी कर रही हूँ। मैं डिपार्टमेंट को बहुत थैंक यू मतलब बहुत शुक्रगुजार हूँ उनके लिए कि उन्होंने हमें ये मौका दिया। मैं चाहती हूँ सबको ये मौका मिले। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, यहाँ पे लोग भी काफ़ी एक्साइटेड हैं इन मुकाबलों के लिए और दूर दूर से हर मतलब पूरी दुनिया से लोग आएंगे, देखते हैं कैसा होता है। ऑलरेडी हम तैयारी कर रहे हैं एंड इच्छा है कि हम इतनी कर सकें कि हम कम्पीट कर सकें खेलो इंडिया में। यहाँ से अच्छी कोई जगह नहीं है, पूरी दुनिया देखी है पर गुलमर्ग बहुत सुंदर है और यहाँ से ऐसी स्कीइंग कहीं नहीं है। मैं पूरी तैयारी कर रहा हूँ खेलो इंडिया के लिए और उम्मीद है मैं ही जीतूंगा बिकॉज मैंने बहुत मेहनत की है और बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ।